आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है समथिंग डिफरेंट। और आज हम बात करने वाले हैं कंपिटेटिव एग्ज़ाम की, जो कि रिलेटेड होगी नर्सिंग से। नर्सिंग में किस टाइप की कंपिटेटिव एग्ज़ाम होती है और उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन सी बुक्स उनके लिए रिकमेंडेड होती है, सबसे बेस्ट होती है, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है वो होती है एम्स के लिए, जो मेन एग्ज़ाम होती है इंडिया में। 7 एम्स प्रेजेंट होती है इंडिया में, जिसमें से एक सबसे बड़ी है न्यू दिल्ली की, जिसके रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम सबसे हार्ड होते हैं। और इसी के 7 और एग्ज़ाम होते हैं एम्स के। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किन बुक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। 3 बुक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन सारे एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहली बुक है कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे अपने आसपास स्टेशनरी से खरीद सकते हैं, और जो कि आपकी हेल्प करेगी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। जो सेकेंड बुक है वो है की टू सक्सेस स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए। ये भी बहुत अच्छी बुक है और इसमें से भी बहुत हाईली कंटेंट आते हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, तीसरी बुक, एनक्लेक्स एग्जामिनेशन की बुक, ये कम्प्लीटली बेस्ड है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन पे। ये एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम होता है एनक्लेक्स का, जिसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये अगर किसी को ढंग से आ गए तो उसका एम्स में तो पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आप इजीली किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर वो नर्सिंग का हो तो। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज टू बी एडमिनिस्टर पेशेंट इन ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये एक एक्टिवेटर है जो टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करता है। टिश्यू फैक्टर, 13 टिश्यू फैक्टर होते हैं जिसमें से 6 एब्सेंट होता है और तीसरा होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इसका मतलब होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला है और ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं हम ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट में, पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट है इमरजेंसी यूनिट में। तो हमको इन सब में से सबसे पहला प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कौन सा रखना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और 4 ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है चेक एपिकल पल्स। एपिकल पल्स हमारी बॉडी होती है, उसमें 9 साइट होती हैं पल्स की, जिसमें से हर्ट की साइट होती है। अगर हर्ट से हम पल्स चेक कर रहे हैं तो उसको हम एपिकल पल्स कहते हैं। और सेकेंड है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड सीरम में जितने इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हैं उनको कहते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट, वो चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन है साइन ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो रही है नहीं वो चेक करेंगे। या फिर फोर्थ ऑप्शन ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। इसमें हम रिमूव कर देंगे सबसे पहले गलत ऑप्शन को, ताकि हमको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। और चौथा ऑप्शन है वो रिमूव कर देंगे हम जल्दी से, क्योंकि ब्लड ग्रुप और ब्लड क्रॉस मैचिंग करने का हमारे पास टाइम नहीं है, ये इमरजेंसी यूनिट है, हमको ये चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। साइन फॉर ब्लीडिंग, ये हम चेक कर सकते हैं साइन ऑफ ब्लीडिंग, ये इसको हम साइड में रखते हैं अभी। और सेकेंड ऑप्शन है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट पर भी चेक नहीं करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब एपिकल पल्स हम चेक कर सकते हैं क्योंकि वो ज़िंदा है या नहीं ये पता लगाने के लिए। तो हमको पता करना है कि ए या सी में से सही आंसर कौन सा है। तो आंसर है करेक्ट सी, चेक साइन ऑफ ब्लीडिंग, हम ब्लीडिंग का साइन चेक करेंगे क्योंकि हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसको, क्लॉटिंग फैक्टर को। क्लॉटिंग फैक्टर हम इसलिए एडमिनिस्टर कर रहे हैं ताकि ब्लीडिंग रुक पाए। और हम एपिकल पल्स इसलिए चेक नहीं करेंगे कि हो सकता है किसी कंडीशन में पल्स है वो एब्सेंट हो, लेकिन हमको ब्लीडिंग को रोकना तब भी ज़रूरी ही होगा, क्योंकि हर्ट को बाद में भी चालू किया जा सकता है CPR से या डिफिब्रिलेशन से। तो हम करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि ब्लीडिंग को रोकना सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा जब भी हम एडमिनिस्टर कर रहे होंगे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है लाइव, इन सब में से लाइव वैक्सीन कौन सी है। अब वैक्सीन 3 टाइप की होती है, लाइव, किल्ड और टॉक्सॉइड। लाइव वैक्सीन, इसमें हम जो एजेंट होता है वो लिविंग एजेंट डाल देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाती है और इसको हम कहते हैं लाइव वैक्सीन। और किल्ड वैक्सीन में हम किल्ड जो बैक्टीरिया होता है या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो इंटर कराते हैं, जिसके खिलाफ बॉडी इम्यूनिटी बनाती है और इसको किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। टॉक्सॉइड मतलब कि इससे जितने भी हार्मफुलनेस है वो रिमूव कर देते हैं और उसके बाद एडमिनिस्ट करते हैं बॉडी में, और फिर इसके
अगेंस्ट इम्यूनिटी बना देती है बॉडी, तो इसको बोलते हैं वैक्सीन्स। अब लाइव वैक्सीन्स कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, टिटेनस टॉक्सॉइड, जापानीज बी इंसेफेलाइटिस, या फिर डी चिकन पॉक्स। अब इनमें से राइट आंसर है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब वो कैसे? क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट है, अगर आप उनको ध्यान से देखें और उतार ले तो बहुत अच्छा होगा, जिसमें दे रखा है लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन कौन सी है। तो लाइव वैक्सीन है बीसीजी, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इंटरनाजल। इंटरनाजल जो इन्फ्लुएंजा है वो लाइव वैक्सीन में कंसिडर की जाती है, और यही इन्फ्लुएंजा अगर इंजेक्टेबल है तो वो किल्ड वैक्सीन में कंसिडर की जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन भी लाइव वैक्सीन है। एमएमआर, मिजल्स, मम्स और रुबेला, ये भी लाइव वैक्सीन है। रोटा वायरस, टाइफॉइड और वेरिसेला जोस्टर और येलो फीवर, ये सारी लाइव वैक्सीन के अंदर आती है। ये इंपॉर्टेंट लाइव वैक्सीन हैं। और जो सेकेंड है वो कील्ड वैक्सीन, इसमें डीपीटी आती है, डिप्थेरिया, टिटनस, पर्टुसिस और डिप्थेरिया और टिटनस, ये भी इसमें आती है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी भी कील्ड वैक्सीन है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है इन्फ्लुएंजा इंजेक्टेबल, फिर जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये कील्ड वैक्सीन है, और टाइफॉइड इंजेक्टेबल, ये भी एक कील्ड वैक्सीन है। अगर आप इनको याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस।